जिन्होंने आज शहादत दी है, फवाज और इश्फाक, उनको पूरा सम्मान देते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी जो शहादत है उसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे और वो हमें हमेशा जो है वो प्रेरणा देती रहेगी। उनके परिजनों को भी हम सांत्वना व्यक्त करते हैं। हम हमेशा यूटी जेएमके की सरकार सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी और हम सब पुलिसजनों की तरफ से यूटी की सरकार की ओर से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद। सर आप एसएम के बारे में बताइए कि 15 अगस्त से एक दिन पहले ही हमला हुआ है। देखिए ऐसा है कि हम लोग इस वक्त 15 अगस्त का जो कल का फंक्शन है उसके लिए जगह जगह पर एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट्स रखी हुई है, सिटी के अंदर, सिटी के बाहर और बाकी जगहों पे, और इसके चलते जो आउटस्कर्ट्स के एरियाज है हम लोग अपनी डिप्लॉयमेंट्स को उस एरिया में भी बढ़ा रहे थे। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आज जहाँ जो नौगाम हमारी सिटी का आउटस्कर्ट्स है उसमें डिप्लॉयमेंट हमारी थी और वहाँ सुबह पर हमारी जो पार्टी है डिप्लॉयमेंट की जो नाका टीम है जिसमें एसएसबी और पुलिस की टीम शामिल थी उनके ऊपर अटैक हुआ और उसमें से हमारे 3 जवान जख्मी हुए जिनमें से 2 शहीद हुए और 1 अभी जेर इलाज है। जहाँ के हालात के मद्देनजर आप सब जानते हैं कि जहाँ बार बार जो दहशतगर्द हैं वो सिविलियन को, पुलिस को, फोर्सेस को कोशिश करते हैं अपना निशाना बनाने की और कुछ जगह पे उनको कामयाबी हासिल होती है, मगर इसके साथ पुलिस और फोर्सेस की तरफ से जो कार्रवाई चलती रही जहाँ पर कि हम जहाँ पर जो माहौल पहले से बेहतर हुआ है उसको और बेहतर करें और आने वाले टाइम में अपने जो ऑपरेशन हैं उनको और तेज करें, इसके बीच में कभी इस तरह की वारदातें, क्योंकि पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सीज जो हैं वो जहाँ पर हमने अमान का माहौल, बेहतर माहौल को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, बार बार इस तरह की साजिशें पार से होती हैं और कोशिश होती है कि जहाँ जो हालात थोड़ा बेहतरी की तरफ जाते हैं उसमें से रुकावट डालने की कोशिश करें, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो एफर्ट्स पीस को और स्ट्रेंथन करने की, अमन को और मजबूत करने की, वो जारी रहेंगी। ये जो 2 जवानों की शहादत हमारी आज हुई है, हम जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम फोर्सेस की तरफ से उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। ये जवान ही उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे कि कल का फंक्शन सुरक्षित तरीके से निकले, आज का माहौल सब जगह पे अच्छा रहे और लोगों की जो आगे पीछे नकल हरकत अपनी आने जाने की जो मूवमेंट्स हैं वो सुरक्षित रहें। इसके बीच में इस तरह के वाकयात होते हैं और जैसे हालात हैं हमें उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में हम लोग अपना काम जो है वो और मजबूती से करते रहें। कल 15 अगस्त है, कल के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि एक दिन पहले से हमला होता है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है, तो कल सुरक्षित ये समारोह जो है निपट जाए उसके लिए क्या नई चीज़ें आपने? देखिए आज ही नहीं बल्कि आज से कुछ दिन पहले से हमारी जो तैयारी सब जगह पे चल रही है, डिप्लॉयमेंट्स जगह जगह पर लगी हुई हैं, कल भी डिप्लॉयमेंट्स होंगी। जैसा मैंने कहा कि दुश्मन पाक में रहता है कि पूरे इंतजाम के बीच में कहीं ना कहीं उनको एक मौका मिले, आज उनको मौका मिला है। हमारी कोशिश रहेगी कि जो इंतजाम है उनको और बेहतर किया जाए और जो एरियाज में सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट का माहौल है उसको और बेहतर किया जाए। गैजेट्स कुछ इस्तेमाल किए गए हैं जिनसे आप सर्वेलेंस रखेंगे? ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चल रहा है, जैसे अहमद का नाम और हमारी जो एजेंसी है पुलिस है वो सब लगे हुए हैं इस वक्त और हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द उनको आइडेंटिफाई भी करें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई।